अरे वाह, इतने सारे चॉकलेट, आज तो पूरे खा जाऊंगी। क्या हुआ? मेरा हाथ फंस गया। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, मेरा हाथ फंस गया, मैं क्या करूं? होता है ना ऐसा कभी कभी, जब हम लालच करते हैं तो हम लालच में हमेशा फंस जाते हैं। कभी भी हमें लालच नहीं करनी चाहिए। जो भी चीज हो हमें वन बाय वन वन और वन एट अ टाइम ही इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें लालच भी नहीं करनी चाहिए और जितना हमारे पास है उसमें हमें खुश रहना चाहिए, वरना इस तरह से हम मुसीबत में फंस सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारा जो लेसन है क्लास 4 का वन एट अ टाइम, उसमें हमें बच्चों को यही समझाना है कि उन्हें लालच नहीं करनी है, मुसीबत में उन्हें घबराना नहीं है, किसी भी मुसीबत का, किसी भी मुश्किल का सामना उन्हें सब्र के साथ, समझदारी के साथ और थोड़ा इत्मीनान के साथ उन्हें हल करना है। ये जो सबक है वन एट अ टाइम, इस सबक को हम बच्चों को एक कहानी के जरिए समझाएंगे, ताकि जो नज़म में बताई गई बात है वो भी उन्हें समझ में आ जाए और अपनी जिंदगी में भी वो उसे याद रख सके। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची सीमा और उसकी दादा के साथ। तो इस नज़म में हमें बच्चों को आने वाले नए अल्फाज के बारे में बताना है, मुश्किलों का हल भी बताना है और देखते हैं कि हम किस तरह से बच्चों को इसे स्टोरी यानी एक कहानी के जरिए समझा सकते हैं, ताकि बच्चों की ना सिर्फ यहाँ पे जहनी या इल्मी तरक्की हो बल्कि उनकी समाजी तरक्की हो, उनकी जिस्मानी तरक्की हो, उनकी जज्बाती तरक्की हो। बहरहाल जिस तरह NEP कहता है 2020 के तमाम मकासद हमको यहाँ पर हासिल करने हैं। चलिए आइए खेल खेल में स्टोरी के जरिए शुरू करते हैं ये नज़म वन एट अ टाइम। शुक्रिया।